Hello everyone, so this is our fifth video of Bills of Exchange. What we have done so far is we have understood the concept of Bill of Exchange. उसके बाद हमने क्या किया था, हमने Proforma सीखा था, how do we make Proforma exactly, and then we had gone through in the third video the journal entries of Bills of Exchange. और उसके बाद फोर्थ वीडियो में हमने कुछ सम सॉल्व किए थे. So what in this particular lecture that we are going to do is हम थोड़े journal entries और सीखने वाले हैं. So, पहले हम पिछले वाले 3 स्लाइड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करेंगे और आज 2 मोर स्लाइड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे. सो 3 स्लाइड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज प्लस 2 स्लाइड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, टोटल 5 स्लाइड्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हो जाएगी. एंड देन वी विल बी सॉल्विंग वन सम टुडे, ओके, इन दिस पर्टिकुलर एंटायर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद आवर स्लाइड. हमें स्लाइड स्टार्ट करने के पहले आई जस्ट फोकस एवरीथिंग प्रॉपर्ली, गिव मी अ सेकंड. या सो लेट्स स्टार्ट. Every problem has a solution in 1 second, okay? So this is a slide that we have already studied. ये हम लोग वो first slide देख रहे हैं, okay? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा quick revision कर लेंगे. So the first thing is creditor sells goods on credit. मतलब क्या क्या, drawer ने goods sold किया था. Drawer ने goods sold किया तो उसकी entry क्या आएगी, debtors account debit to sale. Debtor मतलब कौन हो गया, drawee. तो I can understand यहाँ पे हम assume करेंगे drawee to sale. Obviously हमेशा कौन हमारा debtor होगा, drawee ही होगा. तो drawee to sale और बिल बनाएंगे तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. सो ड्रॉवी टू सेल, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. ओके, अब ये तीनों एंट्री में क्या होने वाला है, बिल कहां गया, बिल कहां गया, बिल बैंक के पास गया, बिल एंडोर्सी के पास गया और बिल सेंट फॉर कलेक्शन के पास गया. तो बिल जिधर गया उधर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. तीनों में बिल रिसीवेबल आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है. तो हम क्या बोलेंगे, बिल जिधर गया उधर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न, ड्रॉवी टू सेल, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, एंड देन 1, 2, 3, बिल जिधर गया उधर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. सो बैंक टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्सी टू बिल रिसीवेबल, और यहां पर था बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल. ये याद रखना है, यहाँ पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा आएगा. ओके, एंड दिस साइड ओके, यहां से परचेज हमेशा डेबिट होता है. तो स्टार्ट परचेज से करेंगे, परचेज टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल. ओके, यहाँ पे अज्यूम करते हैं ड्रॉवर, ऑब्वियसली क्रेडिटर ही ड्रॉवर होता है. तो परचेज टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल रिसीवेबल. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट लर्न दिस थिंग. How am I going to learn this? Drawee to sale, bill receivable to drawee, bank discount to bill receivable, endorsee to bill receivable, and last bill sent for collection to bill receivable. And यहाँ पे क्या आएगा, purchase to drawer, drawer to bills payable. देखा, मैंने बिना देखे बोल दिया. Okay? So this is how you have to learn it. Going with the next slide, जो हमने already पढ़ ली है. अच्छा, next slide में क्या होगा, हम लोग ने क्या किया, owner हुआ है, bill owner हुआ है. अगर bill मेरे पास और owner हो गया तो yes, owner हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, cash आएगा. तो कैश टू बिल रिसीवेबल, और यहां पर आएगा बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. ओके, इसमें कैश बैंक आ सकता है, बिकॉज कैश कैसे भी आ सकता है, इसमें तो बैंक में ही पैसे आएंगे. तो कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, और यहां पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. एंड दिस साइड जब भी बुक्स क्या होगा, जब भी बिल ऑनर होगा तो दिस साइड क्या आएगा, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक. एंड गोइंग विद द लास्ट स्लाइड, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू लर्न दिस थिंग. लास्ट, जब भी बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा. Now this part has to be really very much clear. Bill कभी भी क्या होगा, dishonor होगा. तो drawee account debit अपने पास है, drawee to bill receivable, drawee to bank, drawee to endorsee, drawee to bill sent for collection. तो can you see, bill dishonor होगा तो हमेशा drawee debit होगा. drawee account debit to bill receivable और drawee account debit to bill किसके पास है, bill किसके पास है, तो जिसके पास रहेगा उसका नाम आएगा. तो drawee to bank, drawee to bill sent for collection और इसमें drawee to endorsee. Is that fine? तो एक बात याद रखना, जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी हमेशा डेबिट होगा. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू जिधर गया उधर, या तो फिर बिल रिसीवेबल. एंड फाइनली दिस साइड, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो फिक्स है, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. सो यू हैव टू लर्न दिस पार्ट वेरी नाइसली एंड थरली. नाउ गोइंग अहेड, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम और जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं, और जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे. और जर्नल एंट्रीज पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देखने वाले हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट सम कंसेप्ट. सो गिव मी अ सेकंड, विल जस्ट, अच्छा तो हम पहले कंसेप्ट देखेंगे फिर उसकी जर्नल एंट्री पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द कंसेप्ट. देखो कितनी बार क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल ये कौन था, हमारा मिस्टर ए था और ये हमारा मिस्टर बी है. ओके, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन एंड अगेन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ऑल दिस थिंग्स. आई गेस तुम लोगों को पता है, ये हमारा ड्रॉवर है, सिर्फ मैं यहां पे ड्रॉवर लिख रहा हूं और यहां पे ड्रॉवी लिख रहा हूं. ओके, बिल किसके पास है, मिस्टर ए के पास है. समझो फॉर एग्जाम्पल ऑन द ड्यू डेट
कौन जाएगा? मिस्टर ए किसके पास जाएगा? मिस्टर बी के पास जाएगा। और मिस्टर बी ने क्या कर दिया? बिल डिसऑनर कर दिया। बिल क्या किया? डिसऑनर कर दिया। तो आई एम जस्ट एडिंग द वर्ड ओवर हियर, डिसऑनर। ओके, तो बिल क्या हुआ? मिस्टर बी ने डिसऑनर कर दिया। और फिर मिस्टर बी ने बोला कि देखे आज मेरे पास पैसे नहीं है। माना मैंने तुझे बोला था 3 महीने के बाद पैसे चुका दूंगा, बट टू बी रियल फ्रेंड आज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मिस्टर ए भड़क गया, व्हाट द हेल इज दिस, मिस्टर बी ये तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। तो मिस्टर बी मिस्टर को बोलता है, देख भाई साहब शांति रख, आज पैसा है नहीं, तू क्या ही उखाड़ लेगा, है ना, तू है इतना पतला सा सुखड़ा सा, क्या ही उखाड़ लेगा। ओके, तो शांति रख, आई हैव अ बेटर ऑप्शन। तो मिस्टर ए बोलता है, हाँ बता क्या ऑप्शन है, बता क्या ऑप्शन है। तो मिस्टर बी मिस्टर ए को बोलता है, देख क्या हुआ, लेट्स सी एन एग्जांपल, ये बिल कितने का था? 10,000 अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या बोला, आज की तारीख में मैं तेरे को पार्ट पेमेंट देता हूं, मैं तुझे क्या दूंगा, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट। ओके, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर पार्ट पेमेंट। ले भाई पूरा 10,000 रुपया तो नहीं है, बट अभी मेरे पास कितना है, 2,000 रुपया बचा है, डू अर्निंग 2,000 लेके चला जा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक नया बिल बनाएंगे। ओके, हम क्या करेंगे, नया बिल बनाएंगे। देख अब तो मैं आज पैसे नहीं दे पाया, पर हम कोई बात नहीं, एक नया बिल बना के देता हूं तुझे, और उस नए बिल के अकॉर्डिंगली, उस नए बिल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर न्यू बिल। तो न्यू बिल कितने का बनना चाहिए, देखा जाए तो 6,000 का बनना चाहिए, सॉरी 8,000 का, कितने का बनेगा, 8,000 का बनेगा। 10,000 में से 2,000 ऑलरेडी पार्ट पेमेंट दे दिया है, तो न्यू बिल कितने का बनेगा, 8,000। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, ये तो गलत है, अब आज तू मुझे नया बिल बना के दे रहा है और 2 महीने के बाद पेमेंट करेगा, ड्यू डेट तो आज की है, तो मैं 2 महीने के बाद पैसा क्यों दूं। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला, टेंशन मत ले, मैं तेरे को क्या दूंगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, जो 2 महीना एक्सटेंड कर रहे उसके ऊपर मैं तुझे क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा। सो दिस पर्सन इज टेलिंग हिम, डोंट वरी आई विल गिव यू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, समझो फॉर एग्जांपल 500 रुपया है, तो जो नया बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 8,000 + 500 = 8,500। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, बिल क्या हुआ था, डिसऑनर हो गया था, ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया। तो मिस्टर ए को आया मिस्टर बी पे गुस्सा, मिस्टर बी ने बोला, देख तू गुस्सा मत कर, आई हैव अ बेटर ऑप्शन, मेरे पास आज पैसा है ही नहीं, तो तू क्या ही उखाड़ लेगा, है ना, कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो देख मेरे पास एक ऑप्शन है, आज मेरे पास पॉकेट में 2,000 है, तू 2,000 ले ले ऑन द स्पॉट, प्लस बचा कितना, 8,000 बचाना, तो 8,000 प्लस मैं तुझे इंटरेस्ट पे करूंगा, बिकॉज मैं जो नया बिल दे रहा हूं उसका पेमेंट मैं 2 महीने के बाद करूंगा, तो 2 महीने के दौरान मैं क्या दूंगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ओके, सो जो नया बिल बनाएंगे वो 8,000 का नहीं बनाएंगे, 8,500 का बनाएंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू बिल, और ये न्यू बिल के ड्यू डेट के दिन आना, उस दिन देखो पक्का पैसा दे दूंगा। ओके, सो दिस इज द न्यू कंसेप्ट, जो 4 एंट्री आ सकती है, डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट और न्यू बिल। हो सकता है कोई कोई सम के अंदर इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आएगा, हो सकता है इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ भी आए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, पार्ट पेमेंट। अच्छा, डिसऑनर कितना हुआ बिल, 10,000 का बिल डिसऑनर हुआ, हो सकता है फिर उसने क्या बोला, इंटरेस्ट कितना, 500 रुपया, मुझे इंटरेस्ट आज का आ चुका, तो उसने बोला ठीक है एक काम कर, आज ही पैसा ले ले इंटरेस्ट का पैसा, 2,000 + 500 = 2,500। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 500 रुपया हुआ, तो न्यू बिल कितना बनेगा, सिर्फ 8,000 का न्यू बिल बनेगा, बिल कितना बनेगा, 8,000 का बिल। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट बेसिकली डबल डेट कर रहा है, कभी वो पार्ट पेमेंट के साथ जाता है, पीपी के साथ जाएगा, कभी वो न्यू बिल के साथ जाएगा, पार्ट पेमेंट हमारा क्या है, पीपी। तो इंटरेस्ट कैसा है, डबल डेट कर रहा है, कभी कभी वो पार्ट पेमेंट के साथ जाता है, कभी कभी वो न्यू बिल के साथ जाता है, इज दैट क्लियर। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली वो किसके साथ गया था, न्यू बिल के साथ, मतलब 10,000 का बिल था, डिसऑनर हुआ था, आज की तारीख में सिर्फ 2,000 पे किया, अभी 2 महीने के बाद 8,500 पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 10,000 का बिल डिसऑनर हुआ, आज के आज ही टोटल उसने 2,500 पे किया, 2,500 मतलब 2,000 पार्ट पेमेंट और 500 इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स न्यू बिल कितने का बनेगा, फिर न्यू बिल बनेगा सिर्फ 8,000 का। इज दैट फाइन। सो इंटरेस्ट कैसा है, डबल डेट कर रहा है, इंटरेस्ट जा सकता है कभी कभी पार्ट पेमेंट के साथ और इंटरेस्ट जा सकता है कभी कभी न्यू बिल के साथ। तो लुकिंग इन द सम, हम लोग सम के अंदर डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है, फाइन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, हो सकता है ये जब नया बिल बनाया था तो नए बिल का ड्यूरेशन कितना था, 2 मंथ्स था, 2 मंथ्स। हो सकता है मिस्टर बी के बाद 1 महीने के बाद ही पैसे आ गए, 1 महीने के बाद ही पैसे आ गए। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला, सुन मिस्टर ए, मेरे पास पैसे आ गए हैं, तू तुरंत आजा मेरे घर पे, पैसे लेकर जा। ओके,
सो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि मैंने क्या किया, बिल मेरे पास पैसा आ गया है। तो मिस्टर ए खुश हो गया, अरे वाह, जिसका ड्यू डेट एक और महीने के बाद था वो आज ही पैसे दे रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलो। तो मिस्टर ए भागा भागा किसके घर गया, मिस्टर बी के घर गया और उसने मिस्टर बी से क्या लिया, पैसे लिए। तो जब भी ड्यू डेट के पहले पेमेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। ड्यू डेट के अगर पहले क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। हैव यू सीन क्रिकेट? क्रिकेट में होता है ना, जब धोनी बैटिंग करते करते इंजर्ड हो गया, क्या वो आउट हुआ? नहीं, वो इंजर्ड हो गया है तो वो पवेलियन वापस चला जाएगा। तो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम हर्ट, मतलब आउट होने के पहले ही घर चला गया, इज कॉल्ड एज रिटायर्ड फ्रॉम हर्ट। ओके, तो इसी तरह इसमें भी पेमेंट ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट मिल गया, वाह बहुत अच्छी बात है, तो उसको हम बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। ओके, एंड फाइनली द लास्ट कंसेप्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, इनसॉल्वेंसी की हमेशा दो एंट्री आती है, इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, कंगाल हो जाना। ओके, लूट जाना, आबाद हो जाना। ओके, इनसॉल्वेंसी की हमेशा दो एंट्री आती है, एंट्री नंबर वन डिसऑनर की एंट्री आती है, एंड एंट्री नंबर टू क्या होता है, फिर जो पार्ट पेमेंट वगैरह होता है, पार्ट पेमेंट एंड बैड डेब्ट्स। तो बेसिकली हम सम के अंदर देखेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली दिस। ओके, हम इन सबकी जनरेटी पास करेंगे। तो जब भी इंसॉल्वेंसी, समझो मिस्टर ए मिस्टर बी के घर गया और मिस्टर बी ने बोला मैं तो कंगाल हो गया, मैं लूट गया, मैं आबाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बताओ मिस्टर बी मिस्टर ए को अभी कुछ पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो लेट्स अज्यूम बिल कितने का था, बिल 10,000 रुपए का था, लेकिन अब क्या हो गया है, मिस्टर बी कंगाल हो चुका है, उसके घर बार टीवी वगैरह जो भी बेचा उसके घर पे, सब बेचने के बाद कितना पैसा कलेक्ट हुआ, सिर्फ 5,000 रुपए कलेक्ट हुए। कितने कलेक्ट हुए? सिर्फ 5,000 रुपए कलेक्ट हुए। उसका मतलब क्या हो गया, बचे हुए 5,000 हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, नुकसान हो चुका है। ओके, तो हमें याद रखना है इंसॉल्वेंसी की हमेशा कितनी एंट्री आएगी, दो एंट्री आएगी। फर्स्ट एंट्री को बोलते हैं डिसऑनर और सेकंड को बोलते हैं पार्ट पेमेंट एंड बैड डेब्ट्स। ओके, 10,000 का बिल था, डिसऑनर हो गया, उसके घर पे गए, छानबीन की, सब उसके असेट्स बेच दिए, फिर समझो फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए हमको मिले। ओके, सब बेचने के बाद तो बचा हुआ 5,000 हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, टोटल 7 जनरेटिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके 7 जनरेटिव क्या होते हैं, विल बी सीइंग दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, यू कैन जस्ट कॉपी दिस डाउन समवेयर इन योर नोटबुक नाइसली, अच्छे से पहले इसको एक बार कॉपी कर दो, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द स्लाइड ऑफ द जर्नल एंट्रीज, उसके अंदर यही ऑर्डर होगा, ऑर्डर नंबर वन डिसऑनर, सेकंड पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू बिल, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी। हम लोग देखेंगे ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आती है और हम लोग ये भी देखेंगे ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आती है। ओके, सो चलो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्विकली टेक अ पॉज, टेक अ स्क्रीनशॉट, कॉपी दिस डाउन एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो यस, नाउ वी वांट टू स्टार्ट विथ द जर्नल एंट्रीज। मैंने बताया सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ बिल का मतलब है डिसऑनर ऑफ बिल। हो सकता है जब ड्रॉवर ड्रॉवी के घर जाएगा ड्यू डेट के दिन, तो ड्रॉवी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो बिल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो बिल हो गया है डिसऑनर। डिसऑनर मतलब वो बिल को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, तो कैंसिल डिसऑनर की एंट्री हमें पता है, हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या देखा था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू या तो बिल रिसीवेबल या तो बिल जिधर गया उधर, तो डिसऑनर की एंट्री फिक्स है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, वेयर इज माय स्केल, यहां पर ही है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, या तो बिल रिसीवेबल आएगा या तो बैंक आएगा या तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन या तो एंडोर्सी आएगा, डिपेंड करता है वो बिल किसके पास है। तो डिसऑनर की एंट्री हमेशा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, या तो बिल रिसीवेबल या तो जिधर गया उधर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू। अब क्या होगा, इंटरेस्ट हमारे लिए ड्रॉवर के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, इट्स एन इनकम बिकॉज अब हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे। 10,000 का बिल था लेकिन अब तू और 2 महीना एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो तुझे 500 रुपया इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज एन इनकम फॉर मी। ओके, इनकम फॉर मी, तो ऑब्वियसली ड्रॉवी विल अगेन बिकम माई डेटर, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज इनकम ऑल गेम्स एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। पार्ट पेमेंट आना मतलब पैसा आना, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर, ड्रॉवी इज द गिवर, तो कैशबैक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, एंड फाइनली हम लोग नया बिल बनाएंगे, मतलब ऑब्वियसली
सेम बिल बनाने की एंट्री. सबसे पहले हमने क्या देखा था, बिल बनाते तो क्या एंट्री आती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट. ओके, तो क्या होगा डिसऑनर, अगर डिसऑनर होगा तो सबसे पहले ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर, उसके बाद क्या होगा इंटरेस्ट, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, उसके बाद पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, एंड फाइनली न्यू बिल बनाएंगे तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी. ओके, सो यू विल लर्न दिस. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी अगर तुम लोग देखोगे तो क्या है वहां पर, सेम वापस जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री आती है, डू यू रिमेंबर दैट, याद करो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. अब इंटरेस्ट इसके लिए एक्स इनकम थी, तो इसके लिए क्या होगा एक्सपेंस, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट यहां पर आएगा, तो इंटरेस्ट टू ड्रॉवर्स, यहां पे पैसा आ रहा था यहां पे पैसा जा रहा है, तो ड्रॉवर्स टू कैश बैंक, यहां पे बिल रिसीवेबल बना था इसके पास रिसीव हुआ इसके पास से गया, तो ड्रॉवर्स टू बिल्स पेबल. If you see, this is all opposite to this one. Okay? So, interest to drawers, drawers to cash bank, and drawer to bills payable. So, what do you have to do? You have to just pause it and you have to learn all these things. Learn all these things. Ye generalities learn karni hai tum logo. 1, 2, 3, 4. Okay? So, bills sabse pehle cancel hoga. Phir kya hoga? Phir interest charge hoga. Uske baad part payment aayega and new bill aayega. Maine abhi just bataya tha, interest kya hai? Interest double date kar raha hai. वो कभी उसका अमाउंट कभी कभी पार्ट पेमेंट में जाएगा, उसका अमाउंट कभी कभी न्यू बिल में जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस. सिंपल. अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं. यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस जर्नल एंट्रीज नाइसली इन योर नोटबुक एंड नोट इट डाउन. ओके, बिकॉज ये तुम लोग को लर्न करनी है एंड यू हैव टू गिव इट ओरल टू योर पेरेंट्स. वी विल मेक श्योर दैट यू हैव गिवन द ओरल्स एंड तुम लोग इसको बाय हार्ट किया, अगर नहीं करोगे तो डंडे पड़ेंगे. यू नो दिस स्केल यूटिलिटी, ये स्केल की बहुत सारी यूटिलिटी है, मल्टीपर्पस. एंड गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ लास्ट थ्री जर्नल एंट्रीज, मतलब इसके बाद एक और स्लाइड पूरा बाकी है पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लास्ट थ्री एंट्रीज, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया, जब धोनी आउट होने के पहले पवेलियन लौट जाएगा दैट इज रिटायरमेंट. उसी का मतलब है कि अगर ड्यू डेट के पहले ही, ड्यू डेट के पहले ही अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट बोलेंगे. तो पैसा आ रहा है ना, ड्यू डेट के पहले ही पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट, रिबेट देखो वो भाई साहब जो हमें पैसे पेमेंट के पहले, वो जो भाई साहब जो हमें ड्यू डेट के पहले पेमेंट दे रहा है, हो सकता है वो हमसे कुछ डिस्काउंट मांगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे समझो, फॉर एग्जाम्पल मुझे देवांश को 10,000 rupees देने थे, ओके, और दो महीने के बाद लौटाना है, तो मैं एक महीने के बाद देवांश के घर गया और मैंने देवांश को बोला देख मैं कितना भला मानूस हूं, मैं दो महीने के बाद देने वाला अमाउंट आज ही दे रहा हूं. तो देवांश खुश हो गया. मैंने देवांश बोला देवांश देख मैं 10,000 पूरी दूंगा, सिर्फ 9,500 दू क्या, चलेगा क्या प्लीज? तो देवांश बोलता है हाँ सर चलेगा. क्यों? बिकॉज मैं इतना भला मानूस हूं, दो महीने की जगह एक महीने पहले ही आके पैसे दे दिए. तो देवांश खुश हो गया और देवांश ने मुझे क्या दिया, डिस्काउंट दिया. ओके, तो ड्रॉवर मतलब देवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पैसे आएंगे 9,500 और उसको 500 का नुकसान होगा, रिबेट 500 टू बिल रिसीवेबल 10,000. ओके, तो देवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से रिबेट, रिबेट मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, उसके लिए वो 500 एक्सपेंस हो गया. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ओके, और यहां पे देखोगे तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पास बिल्स पेबल आया, मैंने उसको रिटर्न में क्या दिया, कैश दिया. कितना कैश दिया? सिर्फ 9,500 ही दिया, पूरा नहीं दिया, बिकॉज मैं इतना भला मानूस हूं, मैंने टाइम के पहले पेमेंट कर दिया. तो 10,000 की जगह मैंने सिर्फ 9,500 दिए, बचे हुए 500 मेरे लिए इनकम है, एंड 500 इज क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स. एंड फाइनली इंसॉल्वेंसी, मैंने बताया था इंसॉल्वेंसी की हमेशा दो एंट्री आती है, इंसॉल्वेंसी की हमेशा दो एंट्री आती है. तो पहले बिल डिसऑनर होगा, तो हमें पता है अभी हमने 10 देख लिया ऑलरेडी, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या तो बिल जहां गया उधर, तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल आ सकता है, ड्रॉवी टू बैंक आ सकता है, ड्रॉवी टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, या ड्रॉवी टू एंडोसी आ सकता है. एंड फाइनली फाइनली मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि समझो फॉर एग्जांपल अगर मैं गया हूज नेम वी शुड टेक, लेट्स एग्जांपल आई हैव बीन टू वंश हाउस, मैं वंश के घर गया था और वंश से मुझे 10,000 लेने थे, लेकिन जब वंश के घर गया तो वंश बोला सर मैं तो कंगाल हो चुका हूं, मैं आबाद हो चुका हूं, लूट चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है. ओके,
तो मैंने उसी घर की छानबीन की, और मुझे 10,000 की जगह सिर्फ 5,000 मिले, तो 5,000 क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, तो बचा हुआ 5,000 दे, क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ दिस अकाउंट 10,000, ओके। और ये सेम डिसऑर्डर की एंट्री यहां पे आएगी, बिल्स पेबल ड्रॉवर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बिल डिसऑर्डर होगा और ड्रॉवर को, ओके, हु इज द रिसीवर ड्रॉवर, मतलब मैं रिसीवर हूं, मुझे कितना मिलेगा टोटल 10,000 में से, वंश के पास से गया कैश बैंक 5,000 और डेफिशिएंसी, यहां पे टू डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा स्टूडेंट्स, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और वो कितना होगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट 5,000 रुपया, ओके। सो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट कॉपी दिस डाउन ऑल्सो, ये जनरेट इसको भी अच्छे से कॉपी कर लो, हम क्या करेंगे सम सॉल्व करेंगे, एंड व्हाइल सॉल्विंग द सम आई विल बी कीप टेलिंग यू ऑल एग्जैक्टली क्या करना है कैसे करना है, ओके। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, कॉपी द नोट्स प्रॉपरली, व्हाट वी हैव डन इज टुडे वी हैव ओनली स्टडीड 7 न्यू जर्नल एंट्रीज, ओके। सबसे पहले डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, रिटायरमेंट, कैंसिलेशन और बैड डेब्ट्स, ओके, टोटल दैट कम्स टू 7 न्यू एंट्रीज दैट वी हैव डन टुडे, ओके। सो विल टेक वन सम, वी विल सॉल्व द सम एंड देन वी विल बी एंडिंग द वीडियो, ओके। चलो सम बहुत बड़ा है सो बहुत धीरज रखना एंड कैलकुलेशन भी थोड़े डिफिकल्ट है, ओके। सो यू हैव, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉपरली एंड गेट रेडी फॉर द सम। आई विल जस्ट चेंज द स्लाइड फॉर द क्वेश्चन, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिद्धांत सोल्ड गुड्स, आई गेस ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 306 पे है, ओके। वन सेकेंड, देयर इज सम मिस्टेक विद द क्वेश्चन, एक सेकेंड, यस, सो लेट्स स्टार्ट, आई टोल्ड यू वन सेकेंड एंड ऑल आवर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ओके। सो ऑन पेज नंबर 306 विल स्टार्ट विद द सम, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर। अब तुम लोग को समझ जाना चाहिए कि कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉवी है, कौन सेलर है और कौन बायर है। सेलर हमेशा होता है ड्रॉवर, तो हमारे केस में सिद्धांत होगा ड्रॉवर और सुधीर होगा ड्रॉवी। सो सिद्धांत के ऊपर, ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट अज्यूम सिद्धांत ड्रॉवर है और सुधीर ड्रॉवी है। सो सिद्धांत सोल्ड गुड्स, तो सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, गुड सोल्ड की एंट्री आएगी। सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, गुड सोल्ड की एंट्री आएगी ऑफ 43,000, गुड सोल्ड की एंट्री आएगी नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ है, अच्छा द डेट इज गिवन 18th मार्च, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डेट। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आएगी, सेकंड एंट्री बिल रिसीवेबल की एंट्री आएगी, ओके। द एंटायर क्वेश्चन इज अ स्टोरी लाइन अप, तुम लोग को स्टोरी को समझना है अच्छे से, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल यू, ओके। सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे, मतलब क्या आएगा, बिल की एंट्री आएगी विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। फिर सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे, अच्छा तो बिल डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट की एंट्री आएगी, डिस्काउंटेड एट बैंक की एंट्री आएगी, ओके। और कितने परसेंट से, 8% पर एनम, वी विल हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, अच्छा फोर्थ एंट्री अब क्या हो गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बिल हो गया डिसऑनर, ओके। उसके बाद क्या हुआ, एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत, सुधीर ने सिद्धांत को रिक्वेस्ट किया, यार बिल डिसऑनर हो गया है मतलब पैसे नहीं है, टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश। अच्छा तो आज की तारीख में मुझसे टोटल 43,800 चुकाना था, पर अभी 43,800 नहीं है, आज मुझसे क्या ले ले, सिर्फ इंटरेस्ट ले ले, सिर्फ इंटरेस्ट। तो फिफ्थ एंट्री आएगी इंटरेस्ट की एंड सिक्स एंट्री आएगी पार्ट पेमेंट की 13,800। एंड फाइनली सिद्धांत अग्रीड फॉर द बैलेंस अमाउंट, एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 2 months बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, सुधीर रिटायर्ड द बिल, ओके। तो डिसऑनर की एंट्री आएगी, पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी, और उन्होंने क्या किया फिर, न्यू बिल बनाया, और न्यू बिल के बाद फाइनली क्या हो गया, बिल रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, बिल हो गया रिटायर्ड। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन वेरी सिस्टमैटिकली, ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन सिस्टमैटिकली, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 306 इफ यू वॉन्ट, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द क्वेश्चन पार्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोटिस दिस थिंग दैट सबसे पहले एंट्री आएगी गुड सोल्ड की, उसके बाद हमने क्या किया, हमने न्यू बिल बनाया है, हमने बिल बनाया, सो द बिल रिसीवेबल की एंट्री। थर्ड इज डिस्काउंटेड, बिल को हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया है। फोर्थ, तो जब बिल ऑनर होने वाला, ड्यू डेट था तो बिल डिसऑनर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, पार्ट पेमेंट किया ऑन द स्पॉट, और न्यू बिल बनाया, एंड फाइनली बिल रिटायर्ड हो गया। सो दिस इज द
सिक्वेंस दैट वी नीड टू फॉलो. हमने क्वेश्चन को रीड किया और हमने सिक्वेंस डिसाइड किया. एवरी क्वेश्चन इज लाइक अ मूवी. हर एक मूवी अलग अलग होती है, उसी तरह हर एक क्वेश्चन के अंदर भी स्टोरी लाइनअप अलग होगी, बट लाइनअप सेम होता है. हमेशा एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, लव स्टोरी होगी, गुंडा आएगा, मारेगा और फाइनली हीरो जीत जाएगा. तो सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में भी सेम है, या तो गुड्स सोल्ड होगा, बिल्स विल बनेगा, डिस्काउंट होगा, ऑनर हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है. ओके, तो ये सॉरी बहुत चीजें फिक्स है, खाली ये है कि हमको ऑर्डर डिसाइड करना है हमको क्वेश्चन रीड करने के बाद. ओके, सो यू कैन जस्ट कॉपी डाउन द ऑर्डर ऑफ दिस 8 जर्नल एंट्री विद अ पेंसिल इन योर टेक्सटबुक और योर नोटबुक एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम. यस, सो लेट्स स्टार्ट द सम नाउ. हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ, हमें सॉल्व करना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और ड्रॉवर कौन है, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंगली, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली, इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत. So this is the sum number 5. You just have to write the sum number over here. Question is very important. In the books of Siddhant. SIDD hai. Okay. SIDD. In the books of Siddhant. Hum yahan likhenge journal entries. Journal entries. Yahan pe hamara aayega debit. Rupees. क्रेडिट रुपीज डेट एंड पर्टिकुलर्स. सो हम सम की शुरुआत करेंगे. द डेट गिवन टू अस इज 2019. सो 2019 यहां पे लिख देंगे. क्या था सबसे पहले, 18th मार्च. ओके, 18th मार्च की ये घटना है. 18th मार्च, फाइन, 18th मार्च. एंड अब सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर. सबसे पहले क्या हुआ, सिद्धांत ने गुड्स सोल्ड किया सुधीर को. ओके, तो सिद्धांत के कौन से गुड सोल्ड हुआ, हु इज द रिसीवर, सुधीर. तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस, 43,800. यहां लिखेंगे हम 43,800 एंड 43,800. ओके, यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. उसके बाद क्या किया था हम लोग ने, ऑन द सेम डेट. ओके, सिद्धांत ड्रू ऑफ बुल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन सुधीर ऑन द सेम डेट. सुधीर की स्पेलिंग हमें क्या दी हुई है, आई एम क्वाइट कंफ्यूज. हम अज्यूम करेंगे कि सुधीर की स्पेलिंग ER है. ओके, लेट्स अज्यूम दैट द स्पेलिंग ऑफ सुधीर इज ER. सो सुधीर की स्पेलिंग 18th मार्च ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट 18th मार्च. ओके, 18th मार्च हमको क्या किया, बिल बनाना है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन है, सुधीर है. ओके, सुधीर ने हमको बिल दिया है, तो टू सुधीर अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 43,800 रुपीज. ओके, यहां पे लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यस 3 months. क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फॉर 3 months. हम इसको करेंगे क्लोज. ओके, सो 18th मार्च. अब क्या हो गया है, सबसे पहले गुड सोल्ड हो गया है और हमने बिल बना दिया था. आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, दैट सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे. अच्छा, सिद्धांत ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया है, लेकिन हमको अमाउंट नहीं दिया, 8% पर एनम दिया, 8% पर एनम दिया है. सो वॉट डू वी हैव टू डू, वेन एवर दे गिव अस द परसेंटेज फॉर्म, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट, और अमाउंट हमको वर्किंग नोट में बताना है सम के एंड में. देखो, अब मैं अमाउंट फाइंड आउट करूंगा यहां पर अच्छे से, बट तुम लोग को सम के एंड पे अच्छे से वर्किंग नोट बताना है. ओके, सो वॉट डू वी हैव टू फाइंड, हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बिल को डिस्काउंट किया था 3 months के लिए एट 8% पर एनम. तो लेट अस फाइंड व्हाट इज द अमाउंट. ओके, तो हमको ऐसे लिखना है, वर्किंग नोट नंबर 1, डिस्काउंट ऑफ बिल इज इक्वल टू कितना अमाउंट था, 43,800. कितने मंथ्स का बिल है, 3 months, तो 3/12, 3 महीना, टोटल 12 में से 3 महीना, सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट फाइंड करना है. इनटू कितना परसेंट दिया हमको, 8% दिया है, 8%, तो 8/100, 2 0 कट 2 0 कट, 3 जा 2 जा 1 जा 1 जा, तो 4 3 8 into 2 will come to how much, 2 8 जा 16, 1 carry, 2 3 जा 6 7, और 2 4 जा 8, तो द अमाउंट इज 876.
दिस पार्ट यू हैव टू शो इट वेरी नाइसली सिस्टमैटिकली एट द एंड ऑफ द सम वर्किंग नोट हेडिंग देकर बनाना है 876. सो लेट्स स्टार्ट ऑन द वेरी सेम डे 18th मार्च की घटना है जब क्या हुआ था बिल डिस्काउंट हुआ था तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट है बिल डिस्काउंट अकाउंट है बिल टू बिल सेबल अकाउंट हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बताओ बिल कितने का अमाउंट था बिल का अमाउंट था 43,800 सो बिल का अमाउंट है 43,800 हमको डिस्काउंट कितना दिया 876 हमारा वो तुमने काटा है बैंक ने किसका काटा है हमारा काटा है कितना काटा है 876 काटा है ओके सो नाउ 43,000 माइनस 800 माइनस 876 आई डू द कैलकुलेशन ओवर हियर 43,800 माइनस 876 बैंक हमको काट के देने वाला है 10 में से 6 गया 4 9 में से 7 गया 2 7 17 में से 8 गया 9 2 तो 42,924 तो बैंक हमको कितने पैसे देगा ऑन द स्पॉट 42,924 इज द अमाउंट दैट इज बैंक विल बी गिविंग टू अस ओके ये कितना है 876 है ये अमाउंट है 876 टोटल बिल था 43,800 का बट बैंक ने काटा कितना काटा 876 इंश्योर हमको कितना मिलेगा सिर्फ 42,924 मिलेगा ओके सो मैं यहां पे नरेशन लिखूंगा बिंग बिल डिस्काउंटेड एट द रेट 8% पर एनम ओके यू हैव टू कॉपी दिस डाउन प्रॉपरली आई जस्ट डब इट या Now going forward, अब क्या हुआ था? The bill was dishonored on the due date, 18th March के बाद calculate करो 3 months, March, April, May, June. So 18th June is the nominal date और 3 days extra, तो 21st of June, April, May, June, 21st June क्या होगा हमारा due date होगा. Bill क्या हो गया? Dishonored हो गया. Dishonored की entry क्या आएगी? Drawee account debit to bill जिधर गया उधर. तो drawee कौन है हमारा? Drawee कौन है? सुधीर. तो सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया उधर बिल किसके पास है बैंक के पास टू बैंक अकाउंट अमाउंट कितना दिया हमें 43,800 बिल का अमाउंट 43,800 ओके और यहां पे क्या आएगा बिंग डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया फाइनली उसके बाद उन्होंने क्या बोला था सिद्धांत ने रिक्वेस्ट किया सुधीर को दैट एक्सेप्ट अभी का अभी देखो मेरे पास 43,800 तो नहीं है ऑन द स्पॉट मेरे पास 13,800 है एंड इंटरेस्ट इन कैश मतलब अभी तू मेरे पास से क्या लेके जा अभी तू मेरे पास से एक लेके जा इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट लेके जा और एक जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए नया बिल बनाओ ओके टोटल 43,800 है पूरे पैसे तो नहीं है उसके पास अभी कितना है 13,800 रुपए है एंड रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हमको क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का सिंपल फंडा है इंटरेस्ट हमेशा डबल रेट करता है इंटरेस्ट क्या बोलता है जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा ये सब में इंटरेस्ट किसके साथ जा रहा है पार्ट पेमेंट के साथ जा रहा है ऑन द ड्यू डेट सिद्धांत को क्या क्या मिला सुधीर से पार्ट पेमेंट भी मिला और इंटरेस्ट भी मिला रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली क्वेश्चन में लिखा है That's it, done to accept 13,800 and interest in cash. Okay, उसी दिन उसको interest भी मिल गया in cash. तो in short, इस सब में interest किसके पीछे गया है? Interest double date करता है. बताओ interest part payment के साथ जा रहा है या new bill? Part payment. तो interest जिसके साथ जाएगा, उसके पहले आएगा. Repeat again. Interest जिसके साथ जाएगा, उसके पहले आएगा. तो interest सबसे पहले हमको interest की entry मानी है. Same date on the due date. On the due date. 21st जून इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है ड्रॉवर के लिए इनकम है तो सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट हमें नहीं दिया हमें कैलकुलेट करना होगा लेट्स कैलकुलेट क्या लिखा इंटरेस्ट किस पे लगेगा ऑन द रिमेनिंग अमाउंट टोटल बिल का अमाउंट 43,800 है ऑन द स्पॉट ही इज रेडी टू गिव 13,800 देखो टोटल बिल का अमाउंट कितना दिया था 43,800 उसमें से 13,800 तो वो आज चुकाने के लिए रेडी है पार्ट पेमेंट तो बचा कितना 30,000 ये रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा तो 30,000
तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू कितने महीने के लिए न्यू बिल बना रहे हैं, 2 months के लिए न्यू बिल बना रहे हैं, तो 2/12 न्यू बिल 2 months के लिए है, इंटू हाउ मच परसेंटेज, 12% पर एनम, 12% पर एनम, तो 2 0 कट 2 0 कट 12 12, इन शॉर्ट कितना अमाउंट आएगा 600। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 600 रुपीज। रिमेनिंग अमाउंट, हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है, रिमेनिंग अमाउंट पे लगता है, जो पैसा अभी भी चुकाना बाकी है उसके ऊपर 2 महीने के लिए हमको इंटरेस्ट लगा 12% के अकॉर्डिंगली, तो अमाउंट कितना आएगा इंटरेस्ट का, 600 and 600। ओके, एंड देन वी विल बी राइटिंग द नरेशन, हम लोग को क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। हम नरेशन लिखने वाले हैं बीइंग, वन सेकेंड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। ओके, टोटल 8 में से हमारी 5 जर्नलिटी कंप्लीट हो चुकी है, बची 3। देखो मैं तुम लोग को एक बात बता रहा हूं, शुड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग जर्नलिटी पास कर रहे हैं, देखो मेरा ये पेज 5 जर्नलिटी में फिनिश हो गया, हो सकता है किसी स्टूडेंट का एक पेज में 6 जर्नल एंट्री आए, किसी स्टूडेंट का एक पेज में 40 जर्नल एंट्री आए, किसी स्टूडेंट का 5 जर्नल एंट्री आए। व्हेनेवर यू फिनिश द सम ऑन वन पर्टिकुलर पेज, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे ऐसे लिखना होता है बैलेंस कैरी डाउन, हम लोग यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। मेरा पर्टिकुलरली ये पेज पे कितने टोटल आए, टोटल 1 2 3 4 5 जर्नल एंट्रीज आए, तो मुझे इन 5 को 5 टोटल करना होगा। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द टोटल ऑफ ऑल दिस 5, 1 2 3 4 5, तो 43 का डबल कितना 86 होता है, 43,800, 1 2 3 4, 43,800, और ये कितना है 600 है, तो टोटल कहूंगा 0 8 16 24 32 32 32 plus 6 38 3 carry 3 6 9 12 15 15 1 carry 4 8 12 16 17 1 lakh 7500। तो मेरा ये पेज में टोटल कितना हो गया, 1 lakh 75,800। हो सकता है अगर तुम्हारे बुक में 5 जर्नल या 6 जर्नल एंट्री के बाद अगर पेज फिनिश हो, तो तुम लोग 6 का टोटल करके यहां पे लिखना है बैलेंस कैरी डाउन, लिखना है क्या लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन। ओके, सो विल जस्ट कैलकुलेट 40 40 40 60 40 80 80 1 lakh 60 1 lakh 72 1 lakh 72 के बाद 1600 2400 3200 3200 3200 3200। ओके, सो दिस इज परफेक्ट, नाउ व्हाट आई डू इज आई ड्रॉप दिस पार्ट। ओके, हम लोग को यहां से बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है वो नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। सो फार व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉपी दिस सम सो फार। अब हम लोग इसके बाद करेंगे नेक्स्ट सम, उसके पहले मुझे बोर्ड करना होगा रब थोड़ा सा। ओके, आई गेस द अमाउंट इज विजिबल टू यू, मैंने 1,75,800 लिखा है, 1,75,800 लिखा है, इज दैट फाइन। तो मेरा जर्नल एंट्री, मेरे पे एक पेज पे 5 जर्नल एंट्री आई है, हो सकता है तुम्हारी 6 जर्नल एंट्री भी आ सके, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द टोटल बैलेंस कैरी डाउन। आई जस्ट रब द बोर्ड नाउ, यस, सो विल स्टार्ट द सम अगेन नाउ। 1,75,800 आई गेस, यस, द अमाउंट कितना था, 1,75,800 था, तो वहां पे बैलेंस कैरी डाउन था, यहां पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,75,800 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, उसके बाद क्या हो गया, अभी हम लोग ने लास्ट इंटरेस्ट की एंट्री चार्ज की थी, अब पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट मतलब आज के दिन, आज के दिन, व्हाट वाज द डेट, आई गेस हम लोग को 18th मार्च दिया था, मार्च से अप्रैल मई जून और 21st जून। ओके, एंट्री क्या थी, 21st जून पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, हमको पैसा मिल रहा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कौन दे रहा है हमें, ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, टू सुधीर अकाउंट, सुधीर अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, टोटल पार्ट पेमेंट कितना मिला, 13,800 तो उसके पास एक्स्ट्रा था, प्लस कितना, 13,800 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, 600, तो 13,800 प्लस 600 कितना होगा, 14,400। तो टोटल आज की तारीख में हमको पार्ट पेमेंट कितना मिला है, 14,400। ओके, सो व्हाट वाज गिवन टू अस, 13,800 प्लस 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 600, दैट इज 14,400। विल डू वन थिंग, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बीइंग पार्ट पेमेंट
रिसीव्ड। हमें क्या मिला अभी फिलहाल? पार्ट पेमेंट मिला। कितना पार्ट पेमेंट मिला हम लोग को? 13,800, दैट इज 14,400। पार्ट पेमेंट कितना मिला? 14,400। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग ने न्यू बिल बनाया। सेम हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनली न्यू बिल बनाएंगे। न्यू बिल की एंट्री सेम आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉबी का नाम क्या था? सुधीर अकाउंट, ओके सुधीर अकाउंट, ओके। अभी कितना पैसा बचा है? 43,800 में से उसने पार्टमेंट 13,800 दे दिया, तो बचा 30,000। न्यू बिल कितने का बनेगा? 30,000, 30,000 का न्यू बिल बनेगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे? ओके 30,000 का न्यू बिल बना, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months, ओके। जो नया बिल बनाया हमने कितने महीने के लिए बनाया? 2 months के लिए बनाया, 2 months। फिनिश करेंगे यहाँ पर हम लोग, एंड फाइनली हमारा क्या हो गया यहाँ पे? न्यू बिल भी बन गया, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, हमारा न्यू बिल 30,000 का बन गया। अब क्या लिखा हमें फाइनली? बिफोर द ड्यू डेट सुधीर रिटायर, मतलब ड्यू डेट के पहले हमें क्या मिल गया? पेमेंट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। कितने पैसे दिए? 29,700। हम लोग उससे टोटल 30,000 मांगते थे, और उसने हमको कितने दिए? सिर्फ और सिर्फ 29,700 दिया। कोई बात नहीं, भला मानुस जल्दी दे रहा है, ओके। तो क्या लिखा है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर द बिल बाय पेइंग ₹29,700। अच्छा देखो, हम लोग को कोई भी डेट नहीं मेंशन की हुई है, बिफोर द ड्यू डेट। अब मुझे क्या पता बिफोर द ड्यू डेट कोई भी डेट हो सकती है, तो फिलहाल मैं ड्यू डेट वाली डेट ही डालूंगा, ओके। तो क्या लिखा है? बिफोर द ड्यू डेट, बट सिंस आई एम नॉट अवेयर अबाउट द डेट, हमको कोई भी डेट नहीं दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? ड्यू डेट वाली डेट लिखेंगे। 21 जून के बाद कितने महीने? 2 महीने, जून के बाद जुलाई अगस्त। तो क्या होगा? 24th अगस्त, ओके ड्यू डेट की। अच्छा, रिटायरमेंट की एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? टोटल बिल का अमाउंट था 30,000 रुपया, लेकिन उस पैसा अपन को कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 29,700 दिया, 29,700। तो इन शॉर्ट 300 हमको क्या हुआ? रिबेट, ओके, बिंग बिल, ओके, बिंग बिल रिटायर्ड। फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल लिखेंगे 1,75,800। तो 1,75,800 प्लस 14,400, उसके बाद 60,000, 0,08+4, 6, 1 carry 10, 1 carry 13, 14, 15, 1 carry 2,50,600, 2,50,600, 2,50,600। तो ये मैंने अमाउंट लिखा है 2,50,600, 2,50,600, अमाउंट इज 2,50,600 और 2,50,600, ओके। सो दिस इज हाउ द अमाउंट इज 2,50,600। हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 8+4 कितना होता है? 8+4 हो, तो 8+4 कितना होगा? 2 होगा, 2,50,200 आएगा, 2,50,200 आएगा। कितना था? 8+5, 8+5 कम्स टू 2 होता है ना। चलो, तो द अमाउंट इज 2,50,200। आर यू गेटिंग द स्टूडेंट्स? क्या हुआ उसके बाद? हमने पार्ट पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट के बाद हमने क्या किया? नया बिल बनाया, और न्यू बिल क्या हो गया? फाइनली रिटायर्ड हो गया। हमको रिटायरमेंट की एंट्री नहीं दी थी, बोला था बिफोर द ड्यू डेट, पर फिर भी हमने ड्यू डेट लिखी है, बिकॉज हमको कोई भी डेट नहीं दी हुई है, सो हमने अज्यूम किया कि यही हमारी डेट होगी। चलो फाइन, so this is how we're going to complete this one particular sum. आज हम लोग ने क्या किया? We have studied so much of new journal entries. तो ये सारी journal entries, जो नई journal entries पढ़ी हमने, you have to learn them, thorough them properly, learn them properly. We will be asking you all to learn it and then give orals to your parents. Okay? I hope everything is going fine. The sum is quite big. और ये हमने पहला sum था जो सबसे बड़ा sum किया था और थोड़ा सा difficult sum था. अब हम लोग को ये same sum in the books of drawing भी पूछ सकते हैं. So, अगर हमको इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर पहले आएगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी करना एकदम ही आसान काम हो जाएगा. फाइन, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द सम, यू कैन
feel free to call us anytime, and we'll make sure that we solve your queries. Okay, so thank you so much. Aujo, have a nice quarantine period. Enjoy. Ta-da.